एलआई जो है आपको अपने प्रदेशों में प्रचार करने के लिए नहीं आना देना चाहते थे, नीतीश कुमार ने आने नहीं दिया। नीतीश कुमार तो ऑन रिकॉर्ड है, आप जो मर्जी बोलेंगे मेरे को पता है। मैं आज तक को प्रभु चावला को हाथ जोड़ के विनती करता हूं जी कि नीतीश कुमार ने मैं चुनाव का दौरा न करूं ऐसा एक वाक्य बोला हो तो आप अपने टीवी पर दिखाइए। मैं सामने से कह रहा हूं, बोला मैंने छापा है उसको, छापा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि नीतीश नहीं आएंगे तो हमारे पास हमारा मोदी है। मैं कहता हूं वो एफिशिएंट है, ये कहा है कि आप जो वाक्य कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं उन्होंने मोदी को आने से मना किया। मैंने कहा कि मोदी हमारे पास है, मोदी उनके पास है, मैं भी कहता हूं मोदी और मुझे गर्व है कि मेरा सुशील मोदी एक शक्तिशाली नेता है और नीतीश कुमार मानते हैं कि सुशील मोदी एक दमदार नेता है, तो मेरे लिए गर्व की बात है। मुझे बताइए एक व्यक्ति हिंदुस्तान में कितनी जगह पे पहुंचेगा भाई? नहीं, आप झारखंड हो जाते पड़ोसी में तो बिहार में नहीं जा सकते। नहीं, सवाल ये है कि कितनी जगह पे पहुंचेगा भाई? आप मानने के लिए तैयार नहीं कि आप ये मान लीजिए सीधी बात में जो मोदी भाई देव मैं सीधी बात में ही सीधी बात करता हूँ। आप बिहार गए, आप सुन लीजिए, बिहार में जब बाढ़ आई उस बाढ़ में सबसे पहले पहुंचने वाला मैं था, मेरा गुजरात था। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने नीतीश कुमार को कॉन्टेक्ट किया, 10 करोड़ रूपये हमने सबसे पहले घोषित किया और पहुंचा दिया। 2 महीने तक हमारे कैंप लगे रहे, 108 की मेरी सेवाएं, मैंने 23 एम्बुलेंस मोबाइल हॉस्पिटल वहां भेजी, 5,000 लोगों के किचन चलाते थे, मेरे 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को वहां लिखा वो भी ये बिहार के प्रति या नीतीश जी से मेरा प्यार और दोस्ती का नाता न होता तो ये सब कुछ संभव नहीं होता। नहीं तो रहते, पर आप उसके यहाँ भाषण करने नहीं जाएंगे, आप बाकी जगह समय उड़ीसा में आप हुआ है, आप यहाँ पर हुआ है, नहीं नहीं महाराष्ट्र आपने अभी तक मैं केरल नहीं पहुंच पाया हूँ। नहीं केरल में सब जगह पे नहीं जा पाता हूँ भाई। पर जब चुनाव होता है आप लोकल इश्यू आते हैं, आपने विकास किया, पर जब चुनाव होता है तो आपका खास प्रेम जो हो जाता है झगड़ा सोनिया परिवार गांधी परिवार से हो जाता है हमेशा। आप उनके बारे में इश्यू उनको बना देते हैं, वो भी आपको इश्यू बना देते हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग है आप क्या है? नहीं, मेरा उनसे कोई ज्यादा व्यक्तिगत परिचय नहीं है, इसलिए अंडरस्टैंडिंग का तो सवाल नहीं उठता है। क्योंकि आप वो आपको आपके ऊपर प्रहार करते हैं, आप उनके ऊपर प्रहार कर देते हैं। देखिए, मुझे उनके ऊपर प्रहार करने का कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। जो जिस व्यवस्था को संभालता है उस व्यवस्था पर चर्चा होती है, और इस पूरे चुनाव में अगर मैं सीधी बात की बात करूंगा और उसमें प्रभु चावला सीधी बात में है तो प्रभु चावला की बात होगी, अगर प्रभु चावला सीधी बात में नहीं है तो उनकी बात क्यों होगी? पर आप इमोशनल तो हो ही जाते हैं ना, आप तो देखो एक तो इमोशनल होना भी है और भी करना है भाई, ये मेरा काम है इमोशनल होना काम है। ये मेरा काम है जी। जब आपने कहा मैं फांसी पे अगर तैयार नहीं, अगर मेरे भीतर संवेदनाएं ना होती तो मैं देश के लिए मर मिटने के लिए क्यों निकलता भाई? ये है, ये मेरी ताकत है। आप देखो मैं फांसी पे चढ़ने के तैयार हूँ, मैं मेरे देशभक्ति मेरा इमोशंस है, तो भगत सिंह के बाद आप ही फांसी पे चढ़ेंगे? मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है भैया, ये सब प्रोत्साहन फांसी पे चढ़ने ये तो इमोशन है ना। देखिए भाई, जब मुझे कई लोग कहते हैं गोली दे दो, कई लोग तो मैं उस बात को दोहराता हूँ, बुरा क्या है? कईयों ने मुझे कहा है कि मोदी को फांसी पर लटका दो, मोदी को ये कर दो, कहते हैं तो मैं कहता हूँ अच्छी बात है करो भाई। चलो, आपने प्रधानमंत्री तो बनने से मना कर दिया, इच्छा नहीं है आपकी, देश का भला कैसे होगा? आडवाणी जी तो बनेंगे, तो आप बना रहे, अगर आप बनवाएंगे उनको तो जी देश, अगर आपकी पार्टी मैं नहीं बनवाऊंगा, देश की जनता बनाएगी, इसी चुनाव में बनाएगी। और आडवाणी जी को मैंने बहुत निकट से देखा है, आडवाणी जी देश का भाग्य बदलने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। वर्कर समझता है कि आप भी बन सकते हैं, उनके बाद बन सकते हैं, तो उसमें आपको इतराज क्या है? मेरे दिमाग में साफ है, वर्कर के दिमाग में भी है आडवाणी जी, और मैं पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा हूँ कि आडवाणी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, एनडीए की सरकार तो बनेगी। तो उसके ऊपर वोट मांग ही रहे हैं आडवाणी के लिए, स्वराज है कि अगर मोदी का नाम साथ में जुड़ जाए, एक की बजाय 2 मिल जाएंगे ना, 1 इन 2, 2 इन 1। मैं समझता हूँ कि राजनीति सच्चाई और नक्कर धरातल पर चलती है, अनुमानों पर नहीं चलती है। अभी देखो गोधरा में पोस्टर लग गया, मजबूत नेता निर्णायक सरकार, उसने फोटो आपकी लगा दी, नारा आडवाणी जी का। सुनिए, पहली बात, पोस्टर सारे देश में लगे हैं, गुजरात में भी लगे हैं, एक फोटो स्थानीय नेता का रहता है, आडवाणी जी का रहता है, एक राजनाथ सिंह का रहता है, जिस जगह भी आप कहते हैं वहां पर सिर्फ आपका साइज
उनका साइज क्या होगा, लगाने वाला कौन होगा, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। इसमें कोई षड्यंत्र तो नहीं दिखाई देता किसी ने आपके खिलाफ कर दिया? मैं नहीं मानता हूँ कोई कार्यकर्ता ऐसा पाप कर सकता है, लेकिन शायद हो सकता है स्पेस कम हो क्योंकि लेफ्ट साइड राइट साइड को छोटा दब गया होगा कहीं। बार बार नरेंद्र भाई आपको जानता हूँ क्योंकि आप वर्कर कमिटेड हैं, कार्यकर्ता हैं और गुजरात के बाद से जितना काम आपने किया है आप शायद, क्योंकि डिपेंड करेगा नरेंद्र भाई का परफॉर्मेंस क्या रहता है कि गुजरात महाराष्ट्र में अगर आपने सीटें बढ़ा दी जो आपके नाम से सीटें मिलेंगी तभी अडवाणी जी बन पाएंगे प्रधानमंत्री। एक नंबर वन, अगर महाराष्ट्र में विजय होता है सीटें बढ़ती है या कहीं और बढ़ती है मुझे क्रेडिट देने की कोई जरूरत नहीं है। ये पूरे चुनाव में अडवाणी जी के नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं, राजनाथ सिंह जी हमारे अध्यक्ष हैं, पार्टी की एक सेंट्रल टीम है, ये सबके मिलकर के एक कलेक्टिव टीम का परिणाम होने वाला है, किसी एक व्यक्ति का परिणाम नहीं होने वाला है। बार बार वो सवाल होते हैं ना, नरेंद्र भाई बड़े दिल के भी तो हो सकते हैं ना कि पार्टी की सेवा करने के लिए राष्ट्र को फायदा हो आपके अनुभव का, उसके लिए थोड़ा सा अपना मन बड़ा करिए ना कि मैं भी प्रधानमंत्री कभी बन सकता हूँ। अच्छा प्रधानमंत्री बनने की जो ख्वाब नहीं रखते वो बड़े मन के नहीं खा तो रखता है देश में, अंदर से आप भी रखते होंगे। जो राजनीति में नहीं आए वो भी बड़े मन के लोग हैं, जो चुनाव नहीं लड़ते हैं वो भी बड़े मन के लोग हैं, जो किसी पद की महच्छा नहीं रखते वो भी बड़े मन के लोग होते हैं। इसलिए भाई बड़े मन और छोटे मन के लिए तरह जो फिट मत कीजिए। नहीं नहीं, इसलिए कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का सपना पूरा हो, ये गुजरात से एक और चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर इसके बाद आए तो उसमें आपको इतराज क्या है? पहली बात है आप अरुण ने कहा ना इस बार भी गुजरात से अगली बार भी गुजरात से, भैया कहा ना वो टीवी पे कहा, वो हमने कुछ नहीं किया उसके अंदर क्यों आप नहीं कह सकते आपके हमने झूठ बोला है? वो तो उन्होंने बोला, अरे सॉरी बहुत अच्छे एडिटर है, मैं उनका मैंने झूठ बोला ऐसा आपको नहीं, मैंने ये कहा जो है वैसा दिखाते रहो, मैं इतना ही कहता हूँ। तो आपको कहने में क्या परेशानी है? किस चीज का? वर्कर बनाएगा या चंदा बनाएगी तो मैं बनूंगा और सेवा कहने जनता की। मैं यही तो कह रहा हूँ वर्कर्स ने जनता ने इस बार फैसला किया अडवाणी जी बनेंगे अगली बार। चलिए आप जवाब नहीं देना चाहते मैं आपसे नहीं पूछूंगा, ब्रेक लेता हूं और इसके बाद मैं पूछूंगा आपसे पांच तीखे सवाल, जाइएगा नहीं। आज हम बातचीत कर रहे हैं गुजरात नरेश नरेंद्र भाई से और अब उनसे पूछेंगे पांच तीखे सवाल, वो जवाब तो बड़े टेढ़े देंगे मेरे को लगता है। चलो पूछ लेता हूं एक बार, लोग चाहते हैं आपका मिशन है राजनीति में सेवा करना, उस मिशन की प्राप्ति करने के लिए आपको प्रधानमंत्री पद दे दिया जाए, पार्टी की तरह से ऑफर कैंडिडेट बना दिया है, तो आपको परेशानी क्यों होगी? मुझे विश्वास है जिस मिशन को लेकर मैं काम कर रहा हूँ अडवाणी जी रहेंगे तो मेरा मिशन फुलफिल करने में मुझे बहुत सुविधा रहेगी। 2014 में वही कैंडिडेट? हाँ बिल्कुल, उनकी योग्यता है। अगर आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आपको बनाते ट्रेनिंग करने के लिए 2019 के लिए? सबसे अच्छी ट्रेनिंग होने की जगह होती है मुख्यमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ से होम मिनिस्टर है, या तो आपको होम मिनिस्टर की ऑफर कर दी जाए तब जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मुझे लगता है कि ये सवाल ऐसे हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री के शपथ के बाद प्रधानमंत्री जी को तय करना चाहिए। तो संगठन बनाने के लिए दिसंबर में आपको पार्टी प्रेसिडेंट अगर बनाया जाएगा तो आप वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं? अध्यक्ष तो बनना ही है 3 साल के बाद, तो उसमें आप भी बनने के लिए लायक है कि नहीं? मेरे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, संगठन के चुनाव होते हैं, चुनाव के अंदर जो चुन करके आता है वो अध्यक्ष बनता है, लेकिन मैं कैंडिडेट नहीं। लोग कहते हैं कि आप कुछ ना कुछ पश्चाताप करिए किसी चीज के लिए, मैं नाम नहीं लूंगा क्यों कहते हैं, आप भी समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। कोई ऐसा लगता है कि आपको किसी चीज के लिए पश्चाताप करना है? नहीं जवाब देंगे आपने वही अपना, मैं किसी चीज का नाम नहीं लिया, आपकी पोलिटिकल एक्टिविटी हो सकती है, आपका व्यक्तिगत काम हो सकता है, आपका सरकार का फैसला हो सकता है, आपका दिल्ली में ना जाने का फैसला हो सकता है, मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ, सब तरह की चीज में जोड़ रहा हूँ। नहीं आप क्या कर सकते हैं मुझे मालूम नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया गुजरात की जनता ने मुझे गुजरात का काम दिया है और मैं मानता हूं कि मुझे उस काम को अच्छे ढंग से पूरी लगन से पूरे समर्पण से करना चाहिए, मैं कर रहा हूँ। अगर मेरा गुजरात में काम करना ये भी मेरा गुनाह है, ये भी मेरा कुछ मैं देश का अहित कर रहा हूँ, ये अगर अर्थ है तो भाई मैं तो देश से और क्या माफी मांगूंगा और क्या करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात, सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं, हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।